One performance everyone has been waiting for is Nikita Ambuli's in Khatron Ke Khiladi 11. Really? Dar versus Dare, right? Nikki, welcome to Bollywood Bubble. Thank firstly, you so much. Thank you. Tell me, on a scale of 1 to 10, if you would rate yourself as someone on Dar ka quotient, how much would you rate yourself? Dar ka? Abhi tak show shuru nahi hua hai, to 0. Show shuru hone ke baad 10. And Dare in case mein? अभी तक 10 और शो शुरू होने के बाद 0. कॉन्ट्रास्ट हो गया है ये तो. बट टेल मी, यू नो, यू जंप्ड फ्रॉम बिग बॉस, आई मीन ऑलमोस्ट, राइट? एक खतरा था वो और ये दूसरा खतरा, कंप्लीटली डिफरेंट नेचर फॉर बोथ द शोज. बट हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस लाइक? व्हाट डिड यू लर्न? सी ऑनेस्टली, आई डिडंट लर्न एनीथिंग, क्योंकि मुझे, आई एम नॉट एन एडवेंचरस पर्सन, तो मेरे लिए ये शो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था परफॉर्म करने के लिए. बट आई वॉन्टेड टू डू दिस शो बिकॉज देखा है मैंने ये शो और मुझे लगता था यार ये तो मैं आसानी से कर लूँगी. जब इतने करीब आया तो मैंने कहा ओ गॉड, अब इससे दूर कैसे भागे हम, इससे दूर कैसे भागे. तो यू नो, एवरी डे बिफोर डूइंग स्टंट आई यूज टू से कि एक तो भगवान उठा ले या फिर मुझे घर जाना है, घर भिजवा मुझे. तो एवरी टाइम आई यूज टू से आफ्टर द स्टंट ऑल्सो कि सर मुझे घर जाना है, मैं कैसे जाऊँ घर. तो ऐसा है कि इस शो में आप अपने मर्जी से आते तो हो लेकिन घर नहीं जा सकते, यू नो. तो इट वॉज वेरी डेंजरस, बट आई वुड लव टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस. ओवरऑल इट वॉज फैब. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी मस्ती करूँगी सेट पे और ऑफ स्क्रीन ऑल्सो एंड ऑन स्क्रीन ऑल्सो. तो बहुत मजा आया मुझे मेरे कंटेस्टेंट्स के साथ पैरअप होने में और हम लोग दोस्त बन गए इतने अच्छे बहुत कम टाइम में. लगा नहीं था कि इतने अच्छे मैं दोस्त बना पाऊंगी क्योंकि आई एम वेरी कंजर्वेटिव पर्सन, यू नो. बट मैं खुल गई और मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए. उन्होंने मुझे बेबी की तरह रखा, ट्रीट किया और ढेर सारा प्यार किया, तो मुझे बहुत मजा आया. And who became your very good friend there? You knew Abhinav Aastha, and Rahul. Yeah, Abhinav and Rahul to the, but Aastha and Arjun are mere bahut achhe dost hue. Like literally, yeah, very good friends. So now I have a quick Khatron Ke Khiladi most likely version. Done. Okay, so you have to give me names of who do you think can do these. Okay. To give up a task midway. Nikki. Sorry. Rahul. He also named himself. Really? To kill it in every stunt. Like to give their 200%. Divyanka. Someone who plays a prank. Creatives. With their stunts. Yes. Have a sleepless night before any important day or stunt. Nikki. Be decked up even on an off day. Nikki. Be the dancer of the group. Aastha. To crack up on difficult situations. Ya fir before a stunt. Nikki and Arjun. To be the... अभी ये तो नहीं बोल सकते. टू एंड अप थ्रोइंग टैंट्रम्स. जस्ट अ सेकंड, सुनो. किसका? ओके, टैंट्रम्स, आई थिंक सो, क्रीपी क्रोल्स एंड रेप्टाइल्स. उनके मूड स्विंग इतने होते हैं कि मेरे लाइफ में इतने मूड स्विंग्स नहीं हुए. कभी मन करा कुछ नहीं करते, कभी मन किया तो काट लेते. ओ गॉड. आई नो शी सॉर्ट ऑफ सेंसर्ड हरसेल्फ, बट दैट्स ओके. हु अराइव्स लेट ऑन सेट्स? नो वन. नहीं, एक्चुअली नो वन. नहीं, बट अगर नहीं, एक्चुअली नो वन. सब लोग बहुत पर्टिकुलर थे, हमें पहले ही बताया गया था बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स. है, आप लोगों को टाइम पे रहना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, सबको ग्रुप में रहना है. तो वी ऑल वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर टाइमिंग्स. ओके, लास्टली आई वांट टू नो, हु वाज रोहित सर्स फेवरेट अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक सो फेवरेट पता नहीं, सब लोग अलग थे, लेकिन मुझे जितना लगता है आई थिंक सो विशाल. या राइट. सो नाउ निकी, यू ऑल्सो वेंट इन इनसाइड द वेंट इन टू शूट फॉर द शो व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग दैट राइट फॉर यू. आई एम टॉकिंग अबाउट योर ब्रदर्स डिमाइज. हाउ आर यू कोपिंग अप विद इट एंड हाउ डिड going to Cape Town, being okay. in with friends helped you? It was very difficult for me. I was dying from inside, but still I was showing that I'm fine, kyunki I went there to do something else, but mentally मुझे वो चीज़ खाई जा रही थी. But they were my friends who were supporting me, who were there for me day and night, you know. Day and night आप किसी के साथ रहते हो बहुत बड़ी बात है. आपको मतलब कोई इंसान इतना प्यार कर रहा है जो आपको दिन रात साथ रख रहा है. स्पेशली अर्जुन, आस्था, अभिनव, यू नो, दे वर सो केयरिंग एंड लुकिंग आफ्टर मी. आई वुड लव टू थैंक देम एंड दे आर माई फ्रेंड्स फॉर एवर. इवन विशाल, इवन everyone, like everyone was taking care of me and they were very kind to me. But yeah,
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट मेंटली आई थिंक सो येस खतरों के खिलाड़ी में मेंटली मैंने मतलब मेरा स्पेस हाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल साइड में चली गई थी. मेरा हेड इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं डिस्टर्ब थी और काफ़ी स्टंट्स में भी उसका असर हुआ है. बट इट्स फाइन, इट्स लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज राइट. या इट इज़ व्हाट इट इज़, जो जो है वो एक्सेप्ट मैंने कर लिया है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन एंड बीइंग बी पॉजिटिव एंड जस्ट स्प्रेड लव एवरीवेयर आई गो. You know, that is so amazing, but I also remember, I'm sorry I'm bringing this up because I know that I got frustrated and angry when I read a lot of comments who were saying that अरे ये हंस क्यों रही है या फिर why is she going on. What do you want to tell them who judge people without knowing their mental space? I think so. Just they should just grow in life and they should make proud. They should make their parents and themselves proud. भगवान ने एक life दी है, अच्छे से जियो, मेहनत करो, अपने mom dad को खुश रखो. You know, just be limitless and fearless and just go achieve your goal and achieve your dreams. ये सब फालतू की चीज़ों में time मत बर्बाद करो. It's just one life and enjoy. That's such a lovely message. Yeah. Now on a parting note, what do you want to tell people who are looking forward to watching you perform? Okay, so Nikki Tamboli se Chikki Tamboli to ban hi gayi hu. Ab Chikki Tamboli se aage kya kya banti hui dekhne ke liye bas thoda sa intezar kariye. Show shuru ho raha hai 17 July se. Great, thank you. Thank you so much.